नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे वेट गेन के विषय में। वेट गेन मतलब वजन बढ़ाने के विषय में। अभी एक वीडियो हमने डाला था वेट लॉस का, उससे बहुत लोग लाभ उठाए, बहुत लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन कई साथियों का कहना है साहब हमारा वेट तो बहुत ज़्यादा कम है और हमको वेट बढ़ाना है। तो आज हम आपको बताते हैं वेट गेन करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों स्थिति समझ लेते हैं। स्थिति क्या होती है? वेट एक होती है वेट लॉस, यानी कि आपका वजन अनएक्सप्लेन तरह से घट रहा है। तो अगर आपका वजन 6 से 12 महीने में 5% तेजी से घटे, जिससे आप बहुत दुबले पतले होने की स्थिति में आ जाएं, तो वह अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस कहलाता है। और उसके बाद आप दुबले हो जाते हैं और फिर आपके मन में सवाल उठता है कि अब हम मोटे कैसे हों। तो वह स्थिति एक होती है। दूसरी होती है आप बचपन से ही दुबले पतले हैं और बचपन से ही आप कमज़ोर बने हैं। तो मैं आपको बताऊँगा इसको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। सबसे उससे पहले साथियों बता दूं कि आपको कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे नहीं लेनी है, क्योंकि जो दवा फायदा करती है वो नुकसान भी कर सकती है। बताते हैं साथियों आपको वेट गेन करने के लिए कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों सबसे टॉप दवा जो होम्योपैथी में है वेट गेन करने की, वह है आयोडम। आयोडम इसलिए होम्योपैथी में वेट गेन करने की सबसे टॉप दवा है क्योंकि नॉर्मल केस में होता यह है, आपके मन में भी शायद ये आता होगा कि हम बहुत अच्छा खा पी रहे हैं, भरपूर खुराक ले रहे हैं, भरपूर डाइट ले रहे हैं, फिर भी हमारा वेट नहीं बढ़ रहा। तो वह जो स्थिति होती है उसके ठीक करने की होम्योपैथी में दवा आयोडम है। आयोडम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली आप अपने बच्चे को दे सकते हैं या ले सकते हैं जिसको भी यह दिक्कत हो। जब आपका वेट गेन ना हो रहा हो, आप बहुत अच्छे से खा रहे हो, आपके बॉडी में बहुत गर्मी होती हो, हीट होती हो, आपको गर्म बहुत लगता हो और आपका वेट कम की तरफ जा रहा हो, बढ़ ना रहा हो, तो आयोडम इज़ द ड्रग ऑफ द चॉइस, इसको लेकर आप लाभ पा सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि आपका मेंसेस इरेगुलर हो और आप दुबले पतले बने हो, आप वेट गेन करना चाहते हो। तो उस स्थिति में जब आप दुबले पतले हैं, आपका पीरियड मेंसेस रेगुलर नहीं है और आप वेट गेन करना चाहते हैं, तो वेट गेन करने की सबसे अच्छी दवा फास्फोरस है। आप फास्फोरस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आप देखेंगे कि आपका मेंसेस भी रेगुलर हो गया और आपका वेट गेन भी हो गया। फास्फोरस के मरीज को ठंडा चीज़ें खाना पसंद होता है, हेयर फॉल की शिकायत आमतौर पर होती है और शाम को उसकी तकलीफें बढ़ती हैं। तो अगर यह सिम्टम आप में है तो फास्फोरस इज द ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर यू। दूसरी स्थिति आती है जब आप बहुत डिप्रेशन में चले गए हो और आपका वजन कम हो गया और अब आप ऐसे हो गए हो कि अब सोचिए अब कैसे वेट बढ़े। अगर उस कंडीशन में आपका वेट लॉस हुआ है और अब आप चाहते हैं वेट बढ़ जाए, तो वेट बढ़ाने की बहुत कारगर दवा है नेट्रम म्यूरेटिकम। आप नेट्रम म्यूरेटिकम 1 mg पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका वेट गेन हो गया और आपका डिप्रेशन भी ख़त्म हो गया और आपको जो गुस्सा और चिड़चिड़ाहट है वह भी ख़त्म हो गई। तो नेट्रम यूर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली इज द ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन फ्रॉम लॉन्ग टाइम एंड नाउ ही इज लूजिंग हिज वेट, ही और शी इज लूजिंग हिज वेट एंड वॉन्ट्स टू गेन वेट, देन नेट्रम यूर इज द ड्रग ऑफ द चॉइस। एक स्थिति आती है, थोड़ी अजीबोगरीब स्थिति होती है कि आपका पेट तो बहुत निकला है लेकिन आपके हाथ पैर पतले हो रहे हैं, आप दुबले पतले बने और अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। अगर वह स्थिति है साथियों तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दो बहुत कारगर दवाएं। पहली दवा है ब्राइटा कार्ब और दूसरी दवा है कैल्केरिया कार्ब। ब्राइटा कार्ब 30 दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके सारे ग्लैंडुलर हाइपरट्रोफी यानी ग्लैंड्स एक्टिव हैं और आप दुबले पतले बने हैं लेकिन पेट निकला हुआ है। और कैल्केरिया कार्ब 30 दो बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब
किसी बच्चे के दांत ना निकल रहे हों, दुबला पतला बना हो, उसकी टीथ डेवलपमेंट बहुत लेस हो रहा हो, सर से उसके बहुत पसीना आता हो और उसको ठंडक ज़्यादा लगती हो, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में कारगर दवा कल्केरियाकार 30 है। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आप बहुत वीक हैं, इमेसिएटेड हैं, दुबले पतले हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, लेकिन आपका इतना डाउन फीलिंग रहती है आपके अंदर कि आपको खाने का मन नहीं करता, सारा गुस्सा खाने पे उतार देते हैं। तो अगर वह कंडीशन आप में हो कि जब आप सारा गुस्सा खाने पे उतार रहे हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की और आपके वेट गेन करने की सबसे अच्छी दवा इग्नेशिया अमारा है। आप इग्नेशिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो खाने से एवर्जन है, गुस्से या दुख के कारण, वहाँ भी ख़त्म हो गया और फिर आप खाना खाने लगे और आपका वेट बढ़ गया। फिर एक स्थिति आती है जो कि बच्चों में अक्सर दे जाती है कि इतना डायरिया हुआ, इतना क्रॉनिक डायरिया हुआ कि उनका वजन ही नहीं बढ़ पा रहा है। तो अगर यह स्थिति होती है कि बहुत क्रॉनिक डायरिया है और वेट नहीं बढ़ पा रहा है, उस स्थिति में वेट को बढ़ाने की होम्योपैथी में दवा और वीकनेस को दूर करने की दवा सिंकोना ऑफिसनेलिस है। आप सिंकोना ऑफिसनेलिस 200 पावर में दिन में 3 बार, दो दो बूंद दिन में 3 बार अपने बच्चे को दे दें या जिसको भी वेट गेन करना उसको दे दें। अगर उसको क्रॉनिक डायरिया रहा है, उसको लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हुए हैं, तो यह दवा उसको रीगेन करके वेट गेन करा देगी। फिर एक स्थिति आती है जब हमारे बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, उनका वेट नहीं बढ़ रहा होता, उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, उनकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी बहुत वीक होती है, वो झुके हुए होते हैं। अगर यह स्थिति है किसी बच्चे में, तो उस बच्चे का वेट गेन करने की, हड्डियों को मजबूत करने की, स्पाइन को मजबूत करने की, उसको स्ट्रांग बनाने की सबसे अच्छी दवा कैल्केरिया फॉस है। आप कैल्केरिया फॉस 6x पावर में 4-4 गोली दिन में 4 बार दे दें, आप देखेंगे कि बच्चे का वेट भी गेन होने लगा, उसका बोन्स भी स्ट्रांग होने लगी और उनका बॉडी भी स्ट्रांग होने लगा। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आप कुछ भी खा रहे हैं और खाते ही आप लैट्रिन जा रहे हैं, आपको पॉटी जाना पड़ रहा है, मोशन पास करने जाना पड़ रहा है और आपका वेट नहीं बढ़ रहा। अब आप परेशान हैं साहब, हम खा भी रहे हैं, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, सारा अनडाइजेस्टेड फूड निकला जा रहा है। अगर यह स्थिति आप में है और आपका वेट गेन नहीं हो रहा, तो वेट गेन करने की और इस कैफियत से जो खाने के तुरंत बाद आपको मोशन जाना पड़ता है और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आता है, उन दोनों चीज़ों को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा चिनिनम आर्सेनिकम है। आप चिनिनम आर्सेनिकम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका खाते ही मोशन करने और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स पास होने की कैफियत ख़त्म हो गई और आपका वेट गेन होने लगा। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपका एक तो वेट कम है, वेट नहीं बढ़ रहा है, आप उसके लिए परेशान हैं और कुछ भी खाते हैं तो उल्टी हो जाती है। तो अगर यह स्थिति आप में हो, तो इस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है कोडिरेंगो। कोडिरेंगो का मदर टिंचर 10 बूंद सुबह शाम उस कंडीशन में आप ले सकते हैं जब आपको कुछ भी खाते ही उल्टी हो जाती हो, वॉमिट हो जाती हो, तो कोडिरेंगो मदर टिंचर आपको ठीक करके आपको कम्फर्ट जोन में ला के आपको बिल्कुल अच्छा कर देगा। फिर एक स्थिति आती है कि आप में खून की बहुत कमी है, आप अनीमिक हैं और आपका वेट गेन नहीं हो रहा, तो अगर यह स्थिति आपको हो कि आप में खून की बहुत कमी हो, आप अनीमिक हों, आँखों के चारों तरफ नीले घेरे हों, काले घेरे हों और आपका वेट गेन ना हो रहा हो, तो उस वीकनेस की स्थिति में आपको वेट गेन कराने की बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में फेरम मिटैलिकम है। फेरम मिटैलिकम 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, हीमोग्लोबिन लो हो, खून की कमी हो और आइस के अराउंड आपके ब्लू सर्किल्स हों, तो फेरम मिटैलिकम 30 लेने से आपका शरीर भर जाएगा और आपका दुबला पतले वाली स्थिति ये ख़त्म हो के आप खाते पीते घर वाले, घर के व्यक्ति लगने लगेंगे। एक स्थिति आती है साथियों कि आप हमेशा दुखी रहते हों और दुख के कारण आपका शरीर खुल गया हो, अगर यह स्थिति आप में है, तो इस स्थिति को भी वेट गेन करने की खासतौर से महिलाओं में बहुत अच्छी दवा है सीपिया। सीपिया 32 बूंद आप दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके दुखी रहने के कारण आपका शरीर घुल गया हो, वेट लॉस हो गया हो और अब आप वेट गेन चाहते हो, तो सीपिया 30 का सेवन करने से आपके वेट गेन हो जाएगा।
फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपका लीवर वीक हो गया और उससे आपका वेट गेन ना हो रहा हो, आप कमजोर बने हो। आप कहते हो साहब लीवर वीक है हमारा और तब से हम कमजोर ही बने हुए हैं। तो अगर यह भावना आपके मन में आए तो इस भावना को ठीक करने की, दुरुस्त करने की और वेट गेन करने की होम्योपैथी में सबसे अच्छी दवा लाइकोपोडियम क्लेवेटम है। आप लाइकोपोडियम 30 दो-दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका लीवर का फंक्शन भी अच्छा हो गया, पेट की गुर्राहट गैस भी खत्म हो गई, भारीपन लोअर एब्डोमेन का खत्म हो गया और आपका वेट गेन होने लगा। एक स्थिति आती है कि जब आपको एक तो वेट कम हो रहा है, ऊपर से आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, खाना देख के उकाई आती है। तो अगर यह कंडीशन आप में है कि आपको खाना देख के उकाई आती है और आपका वेट गेन नहीं हो रहा, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एलोसोकोट्रिना। एलोसोकोट्रिना 30 दो-दो बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इस दवा से आपका नौजिया की फीलिंग खत्म हो जाएगी, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, मोशन एक बार में होने लगेगा और आप कंप्लीट मोशन होने लगेगा, इनकम्प्लीट स्टूल नहीं रहेगा और आपका वेट गेन भी होने लगेगा। यह साथियों को दवाएं थी वेट गेन की। मैं समझता हूँ मैंने अपने उन साथियों की शिकायत को दूर कर दिया होगा, या बल्कि यूँ कहें मेरे साथी शिकायत तो नहीं करते लेकिन उनकी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया गया होगा कि साहब आपने वेट लॉस का वीडियो डाला, वेट गेन का नहीं डाला। आपके सामने यह वीडियो है जिसमें वेट गेन की बहुत कारगर दवाएं हैं और अच्छा खाना पीना दवा का रिप्लेसमेंट नहीं होता है कभी। आप अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, आपका वेट गेन होने लगेगा। और 4 केला 1 गिलास दूध शहद डाल के बहुत अच्छा फार्मूला है वेट गेन कराने के लिए। 3 महीना जरूर लगता है, अगर इस फार्मूले को आप मुस्तकिल करें तो आपका वेट गेन हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो साथियों तो यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 94-15-786-380 पर। आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। आपका हमारे साथ रहने के लिए, साथ जुड़ने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए और पूरी बात को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।